तो इस तरह से आप YouTube को इजीली PIP मोड मतलब पिक्चर इन पिक्चर मोड में देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवाज था, आप लोग देख रहे हो टेक्नोवाज़ यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जिसे देखकर आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा, बोले तो एकदम झक्कास। जी हाँ दोस्तों, मैं जरा सा भी झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी और कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो में आगे चलकर आप खुद ही देख लीजिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, आप अगर मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्यार से दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में बेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स अनबॉक्सिंग का वीडियो लाते रहता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलून शुरू हो जा। ओके, तो नंबर 1 पर जो ट्रिक है, आप अगर मोबाइल इंटरनेट पे पबजी खेलते हो तो आपका पिंग बहुत ही हाई आता है, तो ये ट्रिक यूज कीजिए, हो सके आपका पिंग बहुत ही कम हो जाएगा। अब लगभग सभी के मोबाइल पर गेमिंग मोड आ गया है, तो आपका मोबाइल पर अगर गेमिंग मोड नहीं है तो आप जब भी पबजी खेलते हो तो बैकग्राउंड में आपका व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह कोई भी एप्लीकेशन चलता है, तो दूसरा एप्लीकेशन आपकी जो इंटरनेट है बहुत ही चूस लेता है, तो आपका इंटरनेट बूस्ट कम हो जाता है, इसलिए आपका पबजी में बहुत ही पिंग हाई होता है। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, नेट ब्लॉकर इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप ओपन करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो सारे जो एप्लीकेशन का इंटरनेट यहां पर ब्लॉक किया हुआ है दोस्तों। यहां पर नीचे अगर क्लिक करते हो 3 लाइन में क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए ब्लॉक ऑल अनब्लॉक ऑल, तो यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो सारे एप्लीकेशन ब्लॉक खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप पबजी को अनब्लॉक कर लीजिएगा इस तरह से, तो आपका जो इंटरनेट है अभी सिर्फ पबजी के ऊपर ही काम करेगा, दूसरा कोई एप्लीकेशन पे काम नहीं होगा दोस्तों, ब्लॉक हो चुका है। आप इस ट्रिक को एक बार अप्लाई करके देखिए, आपका बहुत अच्छा खासा पिंग आएगा दोस्तों, एंड आप बहुत ही स्मूथली पबजी को खेल सकते हो। ओके, तो जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है COVID-19 इंडिया में जब से आया है, तो यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो को 480 से ज़्यादा नहीं देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, चाहे वो आपका 4K वीडियो हो या फिर फुल HD वीडियो हो या फिर 720 का पिक्सल का कोई भी वीडियो हो, आप 480 पिक्सल से ज़्यादा कोई भी वीडियो को नहीं देख सकते दोस्तों। तो कैसे आप लोग फुल HD देख सकते हो दोस्तों, 4K वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हो, HD वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हो। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए ट्रिक निकाला दोस्तों, तो कैसे करना है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, कोई भी एक VPN एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, चाहो तो आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ एंड दोबारा वही वाला वीडियो को प्ले किया हूँ, अब देखता हूँ 480 से ज्यादा आता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 720 एंड यहाँ पर फुल HD में भी आप देख सकते हो दोस्तों, जो वीडियो 4K का है आप 4K के मोड में भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो को 4K मोड में या फिर फुल HD मोड में आप देख सकते हो, सिर्फ VPN को चेंज कर। ओके, तो जो नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, इसका मिसयूज आप मत कीजिएगा, सिर्फ प्रैंक या फिर मजा लेने के लिए आप दोस्तों के साथ कर सकते हो। ये ट्रिक की मदद से आप किसी को भी अपना नंबर बदल कर, मतलब आप अपना नंबर को प्राइवेट में रखकर किसी को भी कॉल कर सकते हो। आप चाहो तो अपने फ्रेंड का नंबर या फिर अपने पिताजी का नंबर लेकर भी आप अपने मोबाइल से दूसरे को फोन करके डरा सकते हो दोस्तों, प्रैंक कर सकते हो, उसको जरा सा भी शक नहीं होगा। तो कैसे होगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में जाइए एंड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसका नेम है फोन ID फेकर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको आप ओपन कीजिए, तो जैसे आप ओपन करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, तो जो नंबर आप उसके सामने शो करवाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 9000, ये नंबर मैं अपने दोस्त के पास शो करना चाहता हूँ एंड इस नंबर पर मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हो वो नंबर नीचे दीजिए एंड जो नंबर उसके पास शो करवाना चाहते हो ऊपर दीजिए, एंड देने के बाद आप अगर मेल फीमेल यहाँ पर आप वॉइस भी चेंज कर सकते हो। आप इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जस्ट 1-2 सेकंड में कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सिंपल यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं जो नंबर यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप कोई भी नंबर को लेकर इस मोबाइल पर फोन कर सकते हो दोस्तों। अब आप इस एप्लीकेशन की मदद से किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हो, मजा ले सकते हो। आप किसी के साथ भी मिसयूज मत कीजिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक एप्लीकेशन है। आप अगर किसी के साथ भी मिसयूज करते हो तो इसके लिए मैं या फिर मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। और एक बात दोस्तों, इस एप्लीकेशन में मुझे जो सबसे खास लगा, इस एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर करने के लिए कोई भी मेल एड्रेस या फिर आपका मोबाइल नंबर कुछ भी देने की जरूरत नहीं दोस्तों, फिर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, आप कॉल कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे बहुत ही खराब लगा दोस्तों, आपका क्रेडिट लिमिट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। आपका अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा दोस्तों, तो आप अगर ज़्यादा चाहते हो तो खरीद सकते हो, इसके सिवाय आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है। बस यही एक एप्लीकेशन की मुझे बहुत ही खराब लगा दोस्तों, बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है।
ओके, तो जो नेक्स्ट ट्रिक है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है आप स्टेशन में या फिर आप कॉलेज में या फिर कोई ऑफिस में जाते हो एंड कोई भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हो, मतलब राउटर या फिर वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपके मोबाइल पर कोई भी मिडिल अटैक करके कोई भी डेटा को चुरा सकता है दोस्तों। आपका कोई पासवर्ड, पिन नंबर या फिर कोई पर्सनल मैसेज हो या फिर आपका कोई पर्सनल कोई मीडिया फाइल हो दोस्तों, आप कोई भी सर्वर पर कनेक्ट होते हो तो VPN को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके मोबाइल को हैक होने के बहुत ही चांसेस कम होता है। कोई भी मिडिल अटैक करता है तो आपके मोबाइल से डेटा चुरा नहीं पाएगा। अगर पॉसिबल नहीं होता दोस्तों तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नेम है जिप्स, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाइए एंड जिप्स सर्च कीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो टर्म्स एंड कंडीशन आएगा उसको आप एग्री कर दीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर QR कोड सर्च करके कोई भी यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर डोमेन मतलब कोई भी वेबसाइट यहाँ से खोल सकते हो दोस्तों, आपके मोबाइल को कोई भी इजीली हैक नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है दोस्तों जिप्स, इसको आप आकर चाहो तो इसे इंस्टॉल करके आपके मोबाइल पर रख सकते हो। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 2-4 MB का होगा, तो इसे आप इंस्टॉल करके रख दीजिए आपके मोबाइल पर। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा खुद ब खुद। जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइस सेफ्टी, नेटवर्क सेफ्टी, ऐप सेफ्टी, कोई भी रिस्क आता है दोस्तों तो इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मुझे तो लगता है दोस्तों इसे के बाद जरूर ट्राई करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक, यूट्यूब PIP मोड, मतलब पिक्चर इन पिक्चर मोड। सभी एप्लीकेशन को आप इस तरह से PIP मोड में ला सकते हो दोस्तों, फ्लोटिंग विंडो आपके सामने आ जाएगा। व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो या फिर कोई भी MX प्लेयर को भी आप इस तरह से फ्लोटिंग मोड में ला सकते हो। लेकिन यूट्यूब को अगर फ्लोटिंग मोड में लाना चाहते हो दोस्तों तो इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा एंड पे करना पड़ेगा। तो मेरी तरह आप भी गरीब हो दोस्तों, इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स को ओपन कर लीजिएगा एंड मोड सेटिंग्स या फिर एडवांस सेटिंग्स पे जाइए एंड जाने के बाद परमिशन मैनेजमेंट पे जाइए एंड परमिशन मैनेजमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपके यूट्यूब यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पिक्चर इन पिक्चर मोड ऑफ है, तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ से बैक पर चला जाइए एंड दोबारा आप VPN एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर आपके पास मौजूद है तो कोई बात नहीं, आप उसे एक्टिव कर लीजिए। इसके बाद आप यूट्यूब को ओपन कर लीजिए। यूट्यूब को ओपन करने के बाद कोई भी वीडियो को प्ले कीजिए, प्ले करने के बाद होम बटन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस जैसे आप करते हो दोस्तों आपके सामने पिक्चर इन पिक्चर मोड में यूट्यूब प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आपका यूट्यूब PIP मोड में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब को एक बार फोर्स क्लोज कर लीजिएगा, मतलब एप्लीकेशन पहले से अगर चालू था तो इसे एक बार क्लोज कर लीजिएगा, उसके बाद प्ले कीजिए। और एक बात, अगर आप पिक्चर इन पिक्चर मोड को सेटिंग्स पे जाकर ढूंढ नहीं पा रहे हो तो यहां पर देखिए सर्च में जाइए, पिक्चर एंड पिक्चर यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों सेटिंग्स में जाकर यहां पर देखिए आपके सामने इजीली आ गया है। तो इस तरह से आप पिक्चर इन पिक्चर मोड को इनेबल कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक था, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो यही था दोस्तों आज का इस वीडियो में 5 एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक। तो आपको कैसा लगा मेरे इस वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर बताना एंड कौन सा टिप्स एंड ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो को बनाता हूँ। आप जब भी मेरे वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोग के लिए बेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक रिव्यू अनबॉक्सिंग का वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।